मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज है 14th नवंबर और 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है. सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे. सबसे पहले चलिए अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग जाएंगे हम लोग हेडिंग डाल देंगे. आप सबको याद होगा कि कल हम लोगों ने टू वर्ड्स बनाए थे एम तक, अल्फाबेट एम तक टू वर्ड्स बनाए थे. तो इस हिसाब से आज हम लोग ना एन से स्टार्ट करेंगे. चलिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे मेक टू वर्ड्स. चलिए इस तरह से हम लोग ना क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे मेक टू वर्ड्स. चलिए तो हम लोगों ने कहाँ से बनाया था, कल एम तक बना लिया था, तो आप आज हम बनाएंगे एन से. चलिए तो एन से क्या क्या हो सकता है, एन से नेस्ट हो सकता है एन ई एस टी नेस्ट. नेस्ट मीन्स क्या होता है, नेस्ट मीन्स घोंसला. चलिए और दूसरा वर्ड क्या बना सकते हैं हम लोग, एन ओ एस ई नोज. क्या बनाएंगे, नोज. नोज मीन्स क्या होता है, नोज मीन्स नाक. क्या होता है, नाक. चलिए चलिए ओ नेक्स्ट हमारा क्या है, ओ है. ओ से हम लोग बना सकते हैं ओ डब्ल्यू एल आउल. आउल मीन्स उल्लू. और एक और क्या बनाएंगे, एक और वर्ड बन जाएगा हम लोग का ओ एक्स ऑक्स. ऑक्स मीन्स क्या होता है, ऑक्स मीन्स बैर. चलिए अब है हम लोग का लेटर पी. चलिए पी से क्या क्या बना सकते हैं, पी फॉर पी ए डबल आर ओ टी पैरोट. पैरोट मीन्स क्या होता है, पैरोट मीन्स तोता. एक और क्या बनाएंगे, पी ई एन पेन. पेन मीन्स कलम. चलिए अब है क्यू. चलिए चलिए इसके बाद क्या है, क्यू फॉर क्या हो जाएगा, क्वीन. क्या है, क्यू यू डबल ई एन. क्वीन मीन्स क्या होता है, क्वीन मीन्स रानी. और एक हो जाएगा हमारा क्वेल, क्यू यू ए आई एल क्वेल. क्वेल मीन्स बटे. क्वेल मीन्स बटे, ठीक है ना, क्वेल मीन्स बटे. चलिए क्यू के बाद हमारा लेटर है आर. आर आर फॉर क्या हो जाएगा, आर ओ एस ई रोज. रोज मीन्स गुलाब का फूल, गुलाब होता है, ठीक है. रोज एंड आर ए डबल बी आई टी रैबिट. रैबिट मीन्स पता है सभी को क्या होता है, रैबिट मीन्स खरगोश, ठीक है. चलिए इसके बाद हमारा है, हमारे कौन सा हो जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस. हमारा लेटर है एस. एस फॉर क्या लिख सकते हैं हम, एस यू एन. सन मीन्स सूरज. और एस यू डबल एम ई आर समर. समर मीन्स गर्मी. सीजन्स होते हैं ना, उसमें एक होता है समर. समर मीन्स गर्मी. चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टी. टी से क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे टी आई जी ई आर टाइगर. एंड एक और वर्ड क्या बन सकता है, ट्रेन बन सकता है टी आर ए आई एन ट्रेन. चलिए इसके बाद यू से क्या बनेगा, यू से यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मीन्स छाता. जब बरसात में जब बहुत बारिश होती है तो लोग छाता ओढ़ते हैं, छाता ओढ़ के बाहर निकलते हैं, वही छाता है.
चलो एक और क्या बनाएगा, यू एम आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आप स्कूल पहन के आते हो अपना अपना यूनिफॉर्म, हाँ तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये से हो जाएगा वी ए एन वैन, और वी ई आर वाई रेडी। वैन मीन्स गाड़ी और रेडी मीन्स बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर हम डब्ल्यू से लिखेंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू से एक वर्ड हम बना लेंगे, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है, जो घड़ी हम लोग कलाइयों पे पहनते हैं वो घड़ी। एक और वर्ड बन जाएगा आपका विथ, विथ में सुनता है साथ, क्या होता है साथ। चलिए अब इसके बाद हम लोग का लेटर है एक्स, सॉरी इसके बाद हम लोग का लेटर एक्स है। चलिए तो एक्स से क्या बना सकते हैं हम लोग, एक्समस, क्या बना सकते हैं एक्समस और एक्स रे, क्या बना सकते हैं एक्स रे। वाई से हम लोग क्या बना सकते हैं, याज एंड या। चलो और जेड से हम लोग क्या बना सकते हैं, जेड फॉर जेब्रा और जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मीन्स तो जेब्रा होता है, और जिप मीन्स चेन, जो कपड़ों में लगती है चेन उसको हम लोग जिप कहते हैं। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम लोग मंथ्स नेम पढ़ेंगे। चलिए अगले पेज में लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं एडीएम में, सॉरी देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो अभी हम लोग मंथ्स नेम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले कौन सा मंथ आता है, जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, इसको हम लोग लिखेंगे जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद आता है हमारा मंथ फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी। फरवरी के बाद हमारा मंथ आता है मार्च, एम ए आर सी एच मार्च, और मार्च के बाद आता है अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद है, अप्रैल के बाद हमारा फिफ्थ मंथ जो आता है वो है मई, एम ए वाई मई। मई के बाद हमारा मंथ आता है जून, जे यू एन ई जून। सभी बच्चे अच्छे से देख लेंगे और बढ़िया ढंग से नोट करेंगे, ठीक है। जून के बाद आता है हमारा मंथ जे यू एल वाई जुलाई, जुलाई के बाद हमारा मंथ आता है ए यू जी यू एस सी अगस्त,
अगस्त, ठीक है, अगस्त हमारा एट्थ मंथ है, आठवें नंबर पे आता है। अगस्त के बाद हमारा मंथ आता है सितंबर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सितंबर रखते हैं इसको हम लोग। अक्टूबर के बाद हमारा इलेवेंथ मंथ आता है नवंबर, जो कि अभी चल रहा है, एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर। और लास्ट में हमारा ट्वेल्थ मंथ है दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर, दिसंबर। चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मेक टू वर्ड्स में एम फॉर नेस्ट एंड नोज, ओ फॉर आउल एंड ऑक्स, पी फॉर पैरोट एंड पेन, क्यू फॉर क्वीन एंड क्वेल, आर फॉर रोज एंड रैबिट, ओके, एस फॉर सन एंड समर, टी फॉर टाइगर एंड ट्रेन, U for umbrella and uniform, V for van and ferry, W for walk and with, X for Xmas and X-ray, Y for yacht and yak, Z for zebra and zip, okay? अब इसी तरह हम लोग 12 months देख लेंगे एक बार। January means January, February means February, March means March, April means April, मई मीन्स मई, जून मीन्स जून, जुलाई मीन्स जुलाई, अगस्त मीन्स अगस्त, सितंबर मीन्स सितंबर, अक्टूबर मीन्स अक्टूबर, नवंबर मीन्स नवंबर, दिसंबर मीन्स दिसंबर। इसको क्या करना है, आप लोगों को एक पेज में खूब सुंदर राइटिंग में ये लिखना है टू वर्ड्स, एंड एक दूसरे पेज में जनवरी फरवरी हम लोगों को लिखना है और लर्न करना है, ठीक है? इसको क्या करना है बाबू, लर्न एंड राइट करना है। इसको हम लोग लर्न एंड राइट करेंगे, याद भी करना है और खूब सुंदर खूब बढ़िया राइटिंग में इसको लिखना ही है, लिखना भी है, सॉरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इतने को ही आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, और ये क्लासेस जब आपके ओपन होंगी तब ये सब चेक किया जाएगा, इसलिए खूब अच्छे से लिखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।